गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग को पढ़ना है इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल। क्या पढ़ना है? इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल चैप्टर में इनइक्वालिटीज का मतलब आपको पता है असमानता। क्या होता है? असमानता मीन्स असमान। तो ट्रायंगल में असमान मीन्स उसका जो साइड होगा या एंगल होगा वो असमान हो तो क्या होगा? इसमें एक ड्यूटी है, जैसे ये टॉपिक है, पेज नंबर हमारा है 129, इसमें देखें एक्टिविटी है, आपको समझ में आएगा, इसको आप सेल्फ करना, एक्टिविटी आपको समझ में आ जाएगा। इनइक्वालिटीज क्या होती है उसका सिंपल सा मीनिंग है असमानता, समान नहीं है। इसके बाद आता है एक्सरसाइज 7.6 में, इफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल। हम इससे पहले कंग्रुएंसी पढ़ते आ रहे थे, इसी में थोड़ा सा इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़नी है। मुझे याद है क्लास 8 में शायद आपने पढ़ा होगा या 7 में पढ़ा होगा इनइक्वालिटीज ट्रायंगल के बारे में, कि अगर सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। पढ़ा है क्या? 7 में पढ़ा है, हमें याद आ रहा है। तो वही इनइक्वालिटीज पढ़ी थी आपने 7 में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था आपका वहां पे। अभी थोड़ा सा और डिटेल में जाना है, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज है इनइक्वालिटीज की, वो थ्योरम के रूप में दिया हुआ है। जैसे पहला है, इफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, अगर दो साइड है अनइक्वल है किसी ट्रायंगल का, द एंगल अपोजिट टू थर्ड साइड, जो एंगल है अपोजिट थर्ड साइड, थर्ड साइड के अपोजिट में जो एंगल है वो क्या होगा? वो बड़ा होगा, क्योंकि वो जो थर्ड साइड है वो सबसे बड़ी है। कुल मिला के ये कहना है कि अगर कोई ट्रायंगल है तो जो बड़ी साइड होती है, बड़ी साइड का अपोजिट एंगल, बड़ी साइड के सामने जो अपोजिट एंगल बन रहा है वो उस ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल होगा। क्लियर है क्या? समझ में आया स्टेटमेंट? अगर किसी ट्रायंगल में तीन साइड है और तीनों साइड में जो सबसे बड़ी साइड है उसके सामने वाला एंगल जो होगा वो क्या होगा? बड़ा है एबीसी, जब एबी से बड़ा होगा तो बीसी से भी बड़ा, मतलब सबसे बड़ी साइड, कहने का मतलब ये। अब इसके सामने कौन सा एंगल होगा? एसी के सामने कौन सा एंगल होगा? बी। अपोजिट एंगल क्या होगा? बड़ा होगा, ये प्रूफ करना है। अब कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे कि हम एक पॉइंट बी लेंगे कहां पे? एसी पे, जो एबी के इक्वल है। कुल मिला के हम एबीडी को आइसोसेलस ट्रायंगल बनाएंगे। क्लियर? एसी पे हम पॉइंट बी लेंगे और एडी किसके इक्वल है? एबी के इक्वल है, ये लिखा है एडी इक्वल टू एबी। क्लियर है? अब हम बी को डी से मिला देंगे, बी को डी से मिला देंगे और इसका नाम कर देंगे एंगल वन, और इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लियर? अब आते हैं प्रूफ। अब देखिए जरा, इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, ये जो हमारा ट्रायंगल ए बी डी, ये देखते हैं आइसोसेलस ट्रायंगल है, तो ए बी इज इक्वल टू ए डी होगा, हमने कंस्ट्रक्शन किया ए बी इक्वल टू ए डी। क्लियर? और जब आइसोसेलस है अपोजिट जो साइड है उसका जो एंगल होगा वो क्या होगा? वो भी इक्वल होगा। आइसोसेलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, हमने प्रूफ भी किया है इसको, आपने पढ़ाया। क्लियर है? तो मीन्स एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। अब देखो आप इस ट्रायंगल से, ट्रायंगल बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी ये ट्रायंगल है और ये एंगल इसका एक्सटीरियर एंगल है। ये ट्रायंगल कैसे बनेगा जरा देखिए, ये ट्रायंगल कैसे बनेगा अगर ऐसे करते हैं तो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, ये हमारे ट्रायंगल है
और ये हो जाएगा सी हो जाएगा डी और ये हो जाएगा फ्यू। ठीक है, इस सेट को थोड़ा सा घुमा देगा ऐसे, तो ये सी टू रहेगा हमारा बेस और ये इसका एक्सीलरेटर हो जाएगा टू और ये हमारा बी है। बी सी डी में एल टू क्या हो जाएगा हमारा एक्सीलरेटर हो जाएगा। ठीक है, और एक्सीलरेटर की प्रॉपर्टी आपको पता है कि एक्सीलरेटर एंगल जो होता है वो सम होता है किसका, इंटीरियर अपोजिट ऑफ इट्स इंटीरियर, इसका जो इंटीरियर है इसका जो अपोजिट एंगल है इन दोनों के सम की, यानी इस एंगल और इस एंगल की एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल डी बी सी प्लस एंगल डी सी बी, ये होता है एक्सीलर प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है। क्लियर, इसका मतलब ये दोनों एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 2 के, ये दोनों मिला के इक्वल है। तो आप इंडिविजुअल देखें, इंडिविजुअल भी अलग अलग है, तो जो एंगल टू है एंगल डी बी सी से बड़ा होगा, अगर ये मान लो 5 है, ये मान लो 3 है और ये मान लो 2 है, ये दोनों मिला के 5 होगा इक्वल होगा, इसका मतलब 5 इज ग्रेटर देन 3, 5 जो है ग्रेटर देन 3 होगा, अलग अलग देखें तो वही चीज दिखाई जाती है, और 5 इज ग्रेटर देन 2 होगा, 5 इज ग्रेटर देन 2 होगा, जब बड़ा होगा डी बी सी से और डी सी बी सी दोनों एंगल से बड़ा होगा। अब देखिए एंगल टू हमारा एंगल 1 के इक्वल है, तो 2 की जगह पे 1 लिख सकते हैं, वही चीज है 1 इसमें, अगर एंगल 2 बड़ा है एंगल डी सी बी से वाला जो एंगल होता है वो हमेशा बड़ा होता है। क्लियर है, ये था हमारा 7.6। नेक्स्ट जो थ्योरम आता है 7.7। नेक्स्ट थ्योरम क्या हमारा 7.7।
7.7 में क्या है दिया हुआ है क्या जस्ट इसकी अपोजिट 7.7 है रीड करो स्टेटमेंट आ 7.7 क्या दिया हुआ है इफ एनी ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू लॉन्गर एंगल इज लॉन्गर अभी क्या हो गया पहले साइड बड़ा होता था तो उसके सामने वाला एंगल बड़ा होगा ये प्रूफ किया अभी ये कह रहा है कि एंगल बड़ा है तो उसका जो अपोजिट साइड होगा बड़े एंगल के सामने जो साइड होगी वो साइड बड़ी होगी क्लियर है करें इसको ठीक है अभी 7.7 AC is greater than AB, तब प्रूफ में आते हैं ठीक है देखो क्या हो सकता है यहाँ फर्स्ट केस कोई भी साइड बड़ी नहीं है इसमें क्या है ये दोनों साइड क्या हो गए इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा AB इक्वल AC देयरफॉर एंगल ABC क्या हो जाएगा इसको हो जाएगा AC होगा क्या लेट AB इक्वल AC तो स्पष्ट हो जाएगा और इक्वल साइड के जो अपोजिट में एंगल होता है वो भी इक्वल होता है इधर यही है ना एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड का इक्वल एंगल और जबकि दिया क्या है सीन ए बी सी इज ग्रेटर देन ए सी बी ये दिया हुआ है इट मीन्स आवर जंक्शन जो हमने माना लेट किया वो गलत है इट मीन्स ए बी सी ग्रेटर बेसिकली सिर्फ ए बी सी बेसिकली देयरफॉर Our assumption are not correct. Our assumption is not correct. Is not true. Clear? Clear हो गया? भाई यहाँ पे equal show कर दिया हमने, जबकि ये बड़ा है। यहाँ पे अपनी equal दिखाते हैं, जबकि क्या है? बड़ा है। इसलिए हमारा जो assumption है वो गलत है। अब आते हैं second case. Case second क्या होगा? Second AC जो है हमारा लेस देन AB, जो बड़ा होगा तो लास्ट में ले जाएंगे। अभी जो उससे पहले का जो पॉसिबिलिटी है उसको कर लेते हैं
AC is less than AD, मतलब जो AC है ये छोटा है किससे, AD के। तो अभी थ्योरम 7.6 क्या है, AC के सामने कौन सा एंगल है, AC के सामने एंगल है ABC, AC के सामने AC के सामने एंगल है ABC, ये भी लेस हो गया किससे, AB के सामने क्या है AC BC, AC BD होगा। बड़ी साइड के सामने वाला एंगल तो बड़ा होता है, 7.6 में प्रूफ किया है, क्लियर है। और सिंस क्या दिया हुआ है, एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी, ये दिया हुआ है, देयरफॉर आवर जंक्शन, सेकेंड केस में आवर जंक्शन इज नॉट ट्रू, हमारा जंक्शन जो है सही नहीं है। तो कौन सा सही होगा फिर, अब लास्ट केस, केस थर्ड, केस थर्ड, केस थर्ड क्या हो जाएगा, एसी इज ग्रेटर देन एडी, जो अभी प्रूफ करना है। अगर केस थर्ड लेके चलते हैं तो प्रूफ करना है क्या होता है, आप ये चेक कर रहे हैं, चेक एंड ट्रायल मेथड है, डायरेक्ट प्रूफ नहीं कर सकते, चेक एंड ट्रायल मेथड से प्रूफ करेंगे। अगर एक्टिविटी करके देख सकते हैं आप, होता है एसी इज ग्रेटर देन एडी, अगर ये हमने ले लिया तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, एसी ग्रेटर है एडी। तो आपने 7.6 जो थ्योरम पढ़ा है कि बड़ी साइड के सामने वाला एंगल क्या होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, therefore एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी। हम उल्टा चल रहे हैं, प्रूफ कैसे करें, उल्टा कर रहे हैं, हमने ये मान लिया कि ये होता है, जब ये होगा तो ये प्रूफ कर दें गिवन थिंग्स वाला, बट दो केस में नहीं हुआ, थर्ड वाले केस में क्या हो गया, 7.6 का यूज करके अगर एसी बड़ा है एबी, इसका मतलब कि इसके सामने वाला एंगल बड़ा होना चाहिए, जो 7.6 में प्रूफ किया, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हो वही स्टेटमेंट देख सकते कितना है, 7.6 का स्टेटमेंट कितना है, स्टेटमेंट कितना किसका, 7.6 का, 7.6 का बैकअप में स्टेटमेंट लिखेंगे, और देयरफॉर इट इज ट्रू, it is true, our assumption is true, our assumption is true, our assumption is kya ho jayega, true ho jayega, it's proved ho jayega, it's proved, last mein aap likhoge it's proved। to ye tha hamara do theorem 7.6 aur 7.7, ek aur theorem hai 7.8 jisko hum baad mein karenge, theek hai, baki aap exercise start karna, agar aapko aa raha hai to try karna, theek hai, thank you।